नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मल्होत्रा जी में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यार आज हम आए थे गर्जिया मंदिर, जो कि आज है बंद कुछ कोरोना और उसकी वजह से। तो अभी हम यहीं पे उसके पास ही एक झील के नदी के आगे रुके हैं। तो यहाँ चल रहा है कुछ झिनियों के प्रोग्राम, और जो मैं आपको कल्चर दिखाना चाह रहा था तो कुछ कोशिश करेंगे यहाँ पर आपको दिखा पाएंगे वो कल्चर। तो चलिए बने रहिए मेरे YouTube चैनल में @मल्होत्रा जी। तो देखिए यहाँ पे जो है अपना जो भी गांव का एक कल्चर होता है, जनेऊ धारण करने, मुंडन करना, तो वो सब यहाँ पे आपको अभी ये चल रहे हैं प्रोग्राम्स, क्योंकि ऊपर तो अभी सब बंद है कोरोना की वजह से, बट यहाँ अभी ऐसा हो रहा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट जितना भी हो सकता है। तो भैया ये है सामने, आपके सामने जो दिख रहा है वो है गर्जिया मंदिर, जो आज बंद था। और इसका जाने का रास्ता यार मुझे तो शायद दिख नहीं रहा, क्योंकि बीचों बिल्कुल नदी के बीचों बीच में है। और इसकी जो मान्यता है, कहा जाता है कि नदी जब ये यहाँ पे पूरा नदी में क्या है कि पूरा जब भी पानी आता है या इसमें ऊपर से पूरा बहाव आता है, यहाँ जितना भी था सब कुछ डूब गया। बट भाई ये मंदिर आज भी त्यों का वैसे के वैसे ही है। बोल रहा है कह रहा सब अलग अरे मेरा मास्क है देख ले तेरे फोटोग्राफर भी आ गए। गरिया में खड़े करके बोल रहा है, ये तो हमारा लकी बॉय है। देखो ये तो फोटोग्राफर कहाँ लाते। मुझको मेरा फोन आ रहा है इसमें। लाओ जी इस लड़के को। खूब लंबी उम्र हो तुम्हारी, जयंती मंगला लीजिया लक्ष्मी रूपेण संस्था लज्जा रूपेण संस्था नमस्ते। और ये मंदिर पहले पुल की जड़ पे था, अब इसको ट्रांसफर कर दिया गया है सन 92 में। और ये कहते हैं कि कोई मंदिर कहते हैं कि बह के आया जी जी जी। कुछ लोगों का मत ये है कि ये इसी पहाड़ से कटा हुआ चट्टान है, पर जहाँ तक इसके प्रमाण मिले हैं कि ये बहने के प्रमाण मिले हैं। और ये हमेशा हाथ से घास से हरा भरा रहता है, पर लेकिन यहाँ का प्रमाण ये कि जो भी जो मांगेगा उसको बड़े मंदिर में अवश्य मिलेगा। ये उसी मंदिर की माता की शाखा है। कहते हैं कि ये टीला इतना ऊंचा था कि इसी प्रकार का टीला आप देख सकते हो, नीचे भी है। हाँ, वो मैंने अभी दिखाया वहाँ पे, वो बिल्कुल नदी के बीच। आदि शक्ति का रूप है वो, तब ये मंदिर यहाँ बना। सत्युग में ही बना, उसी समय बना कि जिस समय ये प्रलय हुआ होगा, तब की बात है।